हम दूधे नहीं देंगे तो चाय कहां से पिएंगे नरेंद्र जी? आपका भाई सदैव मरते दम तक आपके साथ रहेगा और हर एक एक व्यक्ति अपने आप को लाल बहादुर समझ करके संघर्ष करने का काम कर रहा है। होता है कि हम लोग तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत लोगों को जलन होता है, जलने वाले जलते रहे, हमें तो और जलाना है, तेजस्वी को आगे बढ़ते जाना है, जाना है, जाना है। अभी तेजस्वी को हम आशीर्वाद देंगे और इसको मुकुट पहनाने का काम करेंगे। लाइए कारी जी, आप लालटेन उठाइए, गमछा से मुंह पोछ रहे हो, लालटेन उठाइए और आगे की ओर बढ़िए। आपका भाई सदैव मरते दम तक आपके साथ रहेगा। आज अगर लालू जी हम लोगों के बीच में उपस्थित नहीं है तो इसके लिए दोषी भाजपा और नीतीश कुमार है और आरएसएस के लोग हैं। ये बिहार का हर एक एक लोग, हिंदुस्तान का एक एक लोग जानता है। आज तक मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पिता का बेटा हूं जिन्होंने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से, मनुवादियों से समझौता नहीं किया, चाहे कुर्सी को ही क्यों नहीं त्याग करना पड़े। अभी महुआ में आप गए थे कार्यक्रम करने के लिए, चाय पार्टी क्या थी? चाय पार्टी उधर नरेंद्र मोदी जी चलाए थे चाय पार्टी। चाय वो नरेंद्र मोदी जी पीते हैं क्या? और उन्हें पीता है उन्हीं का चाय, गांधी जी नहीं पीते थे चाय? हम दूध नहीं देंगे तो चाय कहां से पिएंगे नरेंद्र जी? हर एक गठबंधन में वो शामिल हुए। बिहार का कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं जिसके साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और धोखा नहीं दिया। आज एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है जब तक नीतीश चाचा वापस नहीं आएंगे। अरे जो लोग ये बात बोल रहे उनको बोल दो ना, बीजेपी के साथ तो आप लड़े हो ना, तीन तीन बाय इलेक्शन साथ तुम लोगों के तब हरा दिए तो तुम अलग हो जाओगे तो हमको क्या है?